नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सुनाम की बालाजी कॉलोनी में 11,000 वोल्ट की तार से करंट लगने से एक प्रवासी मिस्त्री की हुई मौत, टाइल लगाते समय लगा करंट। सुनाम में चोरों के बाद चोरनियों ने लोगों की उड़ाई नींद, सरकारी अदारे से चुराया पंखा। नाभा में पहुंची पटियाला की सांसद परनीत कौर, किसानों की खराब हुई फसल की मुआवजे की मांग। और अब हलचल विस्तार से। सुनाम की बालाजी कॉलोनी में एक दुखद हादसा उस समय घटित हो गया जब कोठी में टाइल का काम कर रहा एक प्रवासी मिस्त्री घर के पास से गुजरती 11,000 वोल्ट की बिजली की मेन लाइन की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि युवा मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाला अभी अविवाहित था। मृतक के पारिवारिक सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। इस संबंधी कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि 11,000 वोल्ट की मेन लाइन कई घरों के पास से होकर गुजरती है। उन्होंने बताया कि सारी कॉलोनी कट चुकी है और नए घर बन रहे हैं, इसलिए बिजली विभाग को चाहिए कि तार को या तो हटाए या इस पर कवर चढ़ाए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी हरमीत सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर मृतक देह को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। टाइल पत्थर का काम करता सीगा जी, 4-5 दिन तो उठे जी, ठीक है। एक कल्ला सीगा, मेरे चाचे का मुंडा है जी, एदा नाम मिथिलेश कुमार है। तो काम करता सीगा, पता नहीं ऊपर कोठे ते तार गई हुई सी मुठे, उन्हें बिजली लग गया, करंट लग गया जी 11,000 नाल। सरकार तो देख लो, एक कल्ला कमाने वाला सीगा, एदे मां बाप ने। मैं टाइल ऊपर से लेके नीचे आया सी जी, कोठे ते पानी लग गया है सी, ठीक है। ये बंदा फोन करके ऊपर गया सी, फोन लगे किसी से बात कर रहा था। ये बात चलते चलते जिधर तार सी वहाँ चले गया। वहाँ इसने इंची टेप था कि पता नहीं इसके हाथ में क्या था, ये वहाँ खड़ा होकर बात करने लग गया। वहाँ तार सी, तार बिछी ये लग गया बिछी। ये ऊपर चले मजदूर है कोई, ये पत्थर पत्थर काम करते होने, ऊपर लगा के फोन कर रहे थी, फोन करते करते ऊपर चला गया है। जिंदा भी लगे, जिंदा भी खोलिया। उस तो बाद नवेरे से खड़ा भाई, तारा ने खिंच लिया, पता नहीं कि होया। लोगों ने बिजली बंद करवाई है, फिर जाके छड़े भी जाए। तारा नीमे भी बहुत ने, 8-10 फुट 12 फुट तारा ने नीमे। ये प्रशासन चाहते कि तारा उच्चा कराया जाए, जहाँ पर पाइप पवाई जाए, क्योंकि सारी कॉलोनी कट्टी गई। घंटा पहला फोन आया बालाजी कॉलोनी चो भी एक मजदूर है जिसे करंट लग गया, तो उदो बाद असं मौके पर पॉजिटिव गई है जी, करंट लग गया। हम कि तफ्तीश कर दे, डेथ हो गई। किन्ने साल का सी? 20-25 साल की उम्र सी। अब सुनाम के बाजारों में चोरों के साथ साथ चोरनियों की दहशत भी बढ़ने लगी है। पहले तो चोर ही लोगों को रात के अंधेरे में चूना लगाते थे, अब मैदान साफ देख चोरों की बाद चोरनियों ने इस मामले में अपने हाथ आजमाने शुरू किए हैं। सुनाम में तो एक चोरनी के कारनामे की सारी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल बठिंडा रोड पर बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का चौकीदार रात भर पहरा देने के बाद जब सुबह थोड़ा सुस्ता रहा था तो अंधेरे से निकल एक चोरनी आई और चौकीदार को हवा दे रहे फ्राटा पंखे को लेकर चलती बनी। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दौरान पीड़ित ने पीसीआर से रात के समय गश्त बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप को लेकर चोरनी को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन साथ में अपनी मजबूरी को भी जाहिर कर रही है कि हर जगह पुलिस खड़ी नहीं की जा सकती। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। चौकीदार सुत्ता पिया है, चौकीदार दा पखा चक के ले गई, इस बारे एक सिर्फ खबर सुनी है। पर जो चौकीदार की करूँगा जे पखा चक्या गया कि चौकीदार ना चक्या जाए, पर हर थान पुलिस लाने तो संभव नहीं होंगी। फिर भी सीसीटीवी फुटेज से असी ट्रेस करके उन्हें लभण की कोशिश करांगे कि कौन लेडी जो है वो क्यों यह जे हालात बने। चौकीदार के पखे चोरी होने लग गए तो फिर होर पुलिस कल्ले कल्ले घर से किवें लई जाऊगी। यह जी चौकीदार साडा सवेर के टाइम असं उन्होंने कहा भी सोजा कर थोड़ा जहा, तू कल रात को ड्यूटी दिता, वो
ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਸਵੇਰੇ 4:10 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢੀ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਸੋ ਗਿਆ ਪੱਖਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ ਸੀ ਆਰ 5 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ, ਐਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਰੂ ਚੋਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ PSPCR ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 4 ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਮਈ ਕੋ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਹੋਗਾ, ਜਿਸਕਾ ਨਤੀਜਾ 13 ਮਈ ਕੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਨਾਭਾ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਏ ਗਏ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਪਰ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਜੋ ਫਸਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਠੇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲੋਂ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਛੂਟ ਦੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 4 ਘੰਟੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਹਿ ਮਜਬੂਰਨ ਧੂਪ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਗੇਹੂੰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਅਬਵ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MP ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਹੋਏ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 8% ਦੀ 18% ਦੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਠੇਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕੇ ਅਚਲ ਕਾਰਿਆਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੈਂਕ ਕਾ 129ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਰਕਲ ਕਾਰਿਆਲਿਓ ਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਓਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਭੀ ਕੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਰਸ਼ ਦਰ ਵਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਨਤੀ ਕੇ ਪਥ ਪਰ ਕਦਮ ਬੜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਕਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। PNB 1 ਐਪ ਕੇ ਦੁਆਰਾ PA ਕਰੰਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਡ, ਜਨ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਵਾਈ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ PNB 1 ਐਪ ਸਭੀ ਬੈਂਕੋਂ ਮੇਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਵਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਲਕਸ਼ੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਰਕਲ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 129 ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮਜ਼ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਲਗਭਗ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ PNB ਦੀ। ਔਰ PNB ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अहम उपलब्धियां हासिल करने वाली संस्था सीबा की ओर से लहरागागा बस स्टैंड के नज़दीक इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर का उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्मी अदाकार करमजीत अनमोल ने किया। इस मौके पर करमजीत अनमोल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आज के नौजवान अच्छे ढंग से तैयारी कर विदेशों में जा रहे हैं, जिन्हें दिशा देने के लिए ऐसे ईमानदार और पारदर्शी सेंटर का होना ज़रूरी है। ये सेंटर लहरागागा के पिछड़े इलाके के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विदेश में जाने के लिए नौजवान गैर कानूनी ढंग की बजाय सही ढंग को ही अपनाएं, ताकि उन्हें बाद में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं सब तो पहला तो कमलजीत ढीडसा ते लक्की ताली वाले नूं साडे वीर नूं बहुत बहुत बधाइयां। सो एक इन्हां दे होर देला साहब ने, उन्हां नूं भी बधाइयां। सो बहुत चंगी गल है कि एक यहोजे शहर के इन्ना वधिया सेंटर खुलिया, आलट सेंटर, और बच्चों नू दूर नहीं जाना पवेगा। और मेरे वालों शुभकामनावान ने इन्हों सारे तिना भावों के परमात्मा इन्हों तरक्की बख्शन इस काम के। इस टीम को पहला तो जानता, पहले दिन तो जदों इस इलाके एक सोसायटी बनी सी, सीबा सोसायटी, सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनैस इन बैकवर्ड एरियाज, वो मतलब अपने नाँ नाल पूरा इंसाफ किया इस सोसायटी ने जिहड़ा सीबा स्कूल खोलिया। क्योंकि मैनू आ पता है लहरे विच कोई ढाबे दे उत्ते कोई अपनी वाइफ नूं जां अपने बच्चों नूं लैके रोटी नहीं खांदा सीगा, इन्ना पिछड़ा इलाका सी। ये कमलजीत ढींडसे हुणी जदों आए वो कल्चर इन्होंने डिवेलप किया। जिम दे विच कोई लेडी नहीं जाती सी, इन्होंने जिम दे विच लेडीज़ भी आउण लाईआं, क्योंकि आप भाभी जी उन्होंने लैके जांदे सी जां बच्चों नूं लैके जांदे सी। ते एक चानण मुनारा है साबित होए ने लहरा निवासियों के लिए, तो यह सेंटर है जिहड़ा ये भी इस इलाके होर अगे तक लैके जाऊगा। देखो जी, लोगों नू पता भी मैं इलैक्शन जाना, पर मैं नहीं पता भी मैं मतलब पॉलिटिक्स के आना भी जहाँ कोई इलैक्शन लड़नी, मेरा कोई अजे कोई इरादा नहीं है। तो मैं अपने काम वाल ही ध्यान है मेरा, यही वधिया परमात्मा चलाई जाए। और बहुत लोग प्यार देंगे ने, इज्जत देंगे ने, इन्ना ही बहुत है। हाँ जी, फिल्म आ रही जी पंजाब के लोगों हसाउण हसाउण, तो सिर्फ हसाउण। लोग तकरीबन सब दी कम्माकारां दे विच स्ट्रेस भरी लाइफ है, उन्हूं 2 घंटे लिए रिलीफ देने लिए फिल्म बना रहे हैं। राजेंद्र गोयल ने अपनी टीम के साथ अमृतसर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन का कामकाज संभाला। इस मौके पर वित्त सचिव रूपेश गोयनका ने बताया कि अमृतसर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के निर्विरोध निर्वाचित प्रधान राजेंद्र गोयल ने 2 वर्ष के लिए अपनी टीम के साथ कार्यभार संभाल लिया है। गोयल काफी समय से प्रधान चले आ रहे हैं और उनकी सारी टीम राजेंद्र गोयल के साथ एसोसिएशन को आने वाली सारी मुश्किलों का हल करेगी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के चुनाव 4 वर्ष बाद दूसरी बार हुए हैं। इस पूरी टीम में प्रधान पद पर राजेंद्र गोयल, वरिष्ठ उप प्रधान पद पर मधुकर तलवाड़, जूनियर उप प्रधान नितिन अरोड़ा, महामंत्री मनप्रीत सिंह लक्की, वित्त सचिव रूपेश गोयनका को चुना गया है। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र गोयल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एसोसिएशन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वे पूरी तनदेही से निभाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार गोयल, प्रधान द अमृतसर टी ट्रेडर एसोसिएशन। ये साढ़े मैंबर की इच्छा थी कि मैं एक बार फिर प्रधान बना, क्योंकि लोगों को मेरे से बहुत विश्वास है, उन्होंने कॉन्फिडेंस है इस गल का कि कोई भी समस्या आएगी टी ट्रेड के बारे में तो राजेंद्र गोयल इस हालत ही उस समस्या को दूर करने की पोजिशन करता है। इस तो सब तो वड्डा कारण है मिलनसार, कि मैं हर बंदे ना छोटा होवे वड्डा होवे कोई भी होवे, हर बंदे ना मेरे पर्सनल रिलेशन है, चाहे वो किस छोटा दुकानदार है, चाहे वड्डा दुकानदार है, चाहे कोई भी है। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਕਾਲ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਮੇਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
जिसके चलते संगरूर में चार जगहों पर रेलवे ट्रैक पर किसानों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिस कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से जो गेहूं की खरीद में सरकारी खरीद से नीचे गेहूं की खरीद की जा रही है, केंद्रीय खरीद एजेंसियों की ओर से गेहूं खरीद के मापदंडों में बदलाव किए गए हैं और जो कटौती की गई है उसके विरोध में किसान रेलवे ट्रैक के ऊपर हैं। उनका कहना है कि इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। किसानों ने कहा कि बर्बाद हुई गेहूं के लिए किसानों को मुआवजा तो केंद्र सरकार ने क्या देना था, उल्टा उनकी गेहूं सरकारी आमदन के एसपी से भी कम में खरीदी जा रही है, जिसके चलते वे दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। तय समय पर वेतन ना मिल पाने के कारण मनोरोगी अस्पताल के दर्जा चार कर्मचारियों ने ठेकेदार के विरुद्ध जमकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी कुलदीप सिंह और राजन कुमार ने बताया कि इस समय अस्पताल में 400 के करीब मनोरोगी मरीज उपचाराधीन हैं, जिनकी देखभाल और अन्य कार्यों के लिए 76 के करीब दर्जा चार कर्मचारी प्राइवेट कंपनी के अधीन अस्पताल में अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस नई कंपनी के साथ अस्पताल प्रशासन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी से तय समय पर किसी भी दर्जा चार कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को मार्च महीने का वेतन नहीं मिल पाया है, जिस कारण सभी 76 कर्मचारी बेहद मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो वेतन समय पर मिल रहा है और ना ही काम करने के लिए पूरा सामान। इसलिए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका वेतन समय पर ना आया तो आने वाले समय में मरीजों के लिए बनने वाले खाने को रोक दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू सर प्रॉब्लम यह है कि जब से राधे राधे कंपनी वाले ने ठेका लिया जी, जब से हमारे लेबर को ना तो टाइम से तनख्वाह दे रहे हैं, ना साढ़े सामान कोई हॉस्पिटल को दे रहे हैं, नाले सुपरवाइजर उसका कोई नहीं गा थे, उसका ठेकेदार का कोई कार्य करता थे नहीं गा, अपने हम कोई दुख सुख किसनों दसे। सरकारी मुलाजिम कुछ इससे इतने है जड़े सानू इतने धमकिया देंदे पे कि तहूँ इतने ठेकेदार 6-6 हज़ार से ठेकेदार बचता कुछ नहीं, 6-6 हज़ार से ठेकेदार बंदा लाऊगा तहूँ कट दिया जाऊगा। ये सब गल्ला साढ़े नाल बहुत धक्के होंगे पे सर, सानू इन्नी इन्नी देर से लेबर काम करती हैगी, साढ़े तनखा का कोई पता नहीं होंगे साढ़े घर के बच्चे कि कब सानू तनखा मिलनी है। इदा नहीं है कि ठेकेदार पैसे नहीं देता, तनखावं कभी कभी लेट भावें हो जाए पर सैलरी वो पूरी पा रहे और इन्होंने अकाउंट पा रहे जिन्ना भी इन्हों डीसी रेट से। मैंने नहीं लगता कोई भी मुलाजिम या कोई भी ये जो है 86 बंद कोई ये कह दे कि मेरी सैलरी घट पई है, सारे की घट जी सैलरी जिनी भी हैगी है सरकार के नियमों उन्नी पै रही, किसी की घट नहीं पैंती है, कट के पाँदा हो या कुछ करता ठेकेदार। हाँ ये जरूर है कि कभी कभी देर सवेर बिल लेट हो जाता, वो वेरीफाई करना पैंता है, बिल वेरीफाई करने तो बाद जो कोई कमी पेशी है पूरी करके ही सैलरी रिलीज होती है। आपां सैलरी जिहड़ी हैगी इन्हां दी ठेकेदार दे अकाउंट पा दिंदे आ, अगे ठेकेदार ने इन्हां नूं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी हुंदी आ, क्योंकि ये ठेकेदार दे बंदे हैगे आ, ये साडे अंडर नहीं हैगे। जो भी इन्हां दी कंप्लेंट हुंदी आ इन्हां नूं ठेकेदार नूं करनी चाहीदी आ, क्योंकि ये ठेकेदार दे मुलाजिम हैगे आ। आपां तां फिर भी इन्हां दी मदद करन दी कोशिश करदे आ, इस करके कि इंसानियत दे नाते कि इन्हां दा जिहड़ा भी कोई काम अड़िया होए वो छेती हो जाए, ठीक है कि नहीं। फिर भी मैं ठेकेदार को एक बार बुला के उन्होंने एक बार पूछ लेना है कि इन्हों समस्या तो हल कर दो, जो नहीं हो सकती है तो फिर मैं दस दो ताकि आप आगे करने की कोई कार्रवाई कर बनती कार्रवाई करिए। संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर देश भर में रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों द्वारा मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के रेट में जो कटौती करने का फैसला लिया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए, जिसके चलते नाभा में भी भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी और भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद व अन्य जत्थेबंदियों की ओर से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान नेताओं ने मांग की है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा वैल्यू कट के फैसले को वापस नहीं लिया जाता तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सुनाम की बालाजी कॉलोनी में 11,000 वोल्ट की तार से करंट लगने से एक प्रवासी मिस्त्री की हुई मौत, टाइल लगाते समय लगा करंट।
सुनाम में चोरों के बाद चोरनियों ने लोगों की उड़ाई नींद, सरकारी अदारे से चुराया पंखा। नाभा में पहुंची पटियाला की सांसद परनीत कौर, किसानों की खराब हुई फसल की मुआवजे की मांग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।